हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना लेसन नंबर 23 खुशी इन द टाउन जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा कि जो खुशी है वो अपने चाचा के साथ जो है वो घूमने जा रही है। ठीक है, तो हमने अपना जो चैप्टर है वो यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आगे पढ़ते हैं। खुशी वॉज सरप्राइज टू सी सो मैनी व्हीकल्स एट द बस स्टेशन, कि जब खुशी ने इतनी सारी व्हीकल्स जो है वो बस स्टेशन पे देखे तो वो बहुत हैरान हुई। ओ माई गॉड, सो मैनी व्हीकल्स, शी सेड, उसने कहा कि अरे इतने ज़्यादा व्हीकल्स, एज शी हैड नॉट सीन सो मैनी व्हीकल्स अर्लियर, क्योंकि इसने इससे पहले जो है वो इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं देखे थे। हर कजन मुस्कान वॉज स्टैंडिंग देयर विद अ वेलकमिंग स्माइल ऑन हर फेस, उसकी कजन मुस्कान एक वेलकम कर रही थी उसका एक स्माइल के साथ। खुशी फेल्ट रिलीव्ड एंड बाय डिलाइटेड टू सी हर कजन, कि खुशी को बहुत रिलीफ मिला जब उसने अपनी कजन को इतनी खुश देखा। मुस्कान इज एल्डर ऑफ खुशी एंड स्टडीज इन द गवर्नमेंट कॉलेज, जो मुस्कान है वो खुशी से बड़ी है और गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती है। लिविंग खुशी विद मुस्कान द अंकल Hurriedly went to his office and the two sisters started walking towards their home. कि खुशी मुस्कान के साथ, खुशी को मुस्कान के साथ छोड़कर अंकल जो है वो कहाँ गए, अपने ऑफिस गए, और दोनों जो बहनें हैं वो अपने घर की ओर चली। खुशी kept on looking at things around her with excitement even when they chatted and walked. कि जैसे जैसे वो चल रहे थे, बातें कर रहे थे, तो जो खुशी थी वो चीजों को बहुत एक्साइटमेंट के साथ देख रही थी। ऑन रीचिंग द होम शी टुक अ बाथ एंड देन हैड मील, के घर जाते हुए उसने क्या किया, पहले वो नहाई और उसने खाना खाया। आफ्टर दैट दे वॉच कार्टून्स ऑन टीवी फॉर सम टाइम एंड टॉक्ड ऑफ हेयर एंड देयर, उसके बाद उन्होंने टीवी पे कार्टून्स देखे और इधर उधर की बातें की। इन द आफ्टरनून मुस्कान टुक हर टू द चिल्ड्रन पार्क फॉर अ वॉक, आफ्टरनून में जो मुस्कान है वो उसको कहाँ लेके गई, चिल्ड्रन पार्क में लेके गई। खुशी नोटिस दैट सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग ऑन द रोड, तो खुशी ने देखा कि कुछ बच्चे जो हैं वो रोड पे खेल रहे हैं। शी ऑल्सो वॉन्टेड टू प्ले विद दैम बट मुस्कान फॉरबेड हर एंड सेड मैनी व्हीकल्स प्ले ऑन द दीज रोड्स एंड दे इट इज़ नॉट सेफ टू प्ले देयर, कि वो भी उनके साथ खेलना चाहती थी लेकिन मुस्कान ने क्या कहा कि व्हीकल्स जो हैं वो रोड्स पे बहुत ज़्यादा आ जा रहे हैं तो जो रोड पे खेलना है वो सेफ नहीं है। एंड द चिल्ड्रन हु प्ले ऑन सच रोड्स इन्वाइट एक्सीडेंट्स, और जो बच्चे ऐसे रोड्स पे खेलते हैं वो एक्सीडेंट्स को इन्वाइट करते हैं। इट इज़ बेटर टू प्ले ऑन द प्लेसिस दैट आर मेंट फॉर प्लेइंग, कि हमें उन्हीं जगह पे खेलना चाहिए जो खेलने के लिए बने हैं। इट इज़ ओनली देयर दैट वी इंजॉय प्लेइंग एंड इट ऑल्सो सेफ, उससे क्या होगा, एक तो हमें खेलने में मजा भी आएगा और हम सेफ भी रहेंगे। When they moved a little ahead, Khushi saw gleaming lights of three colors fixed on a pole. थोड़ा सा जब वो आगे गए तो उसने poles पे तीन लाइटें देखी। She observed that this light gleamed one by one, जो एक एक करके जल रही थी। दिस अल्टरनेटिव ग्लीमिंग ऑफ लाइट मेक व्हीकल्स टू मूव और स्टॉप, और जैसे ही वो ग्लीम कर रही थी, जल रही थी, बुझ रही थी, तो व्हीकल्स भी उनके अकॉर्डिंग जो है वो चल रहे थे और रुक रहे थे। खुशी वॉज अबाउट टू आस्क मुस्कान अबाउट दिस व्हेन हर कजन स्टार्टर टेलिंग हर अबाउट द वर्किंग ऑफ दिस लाइट्स, कि अभी जो खुशी है वो मुस्कान से पूछने ही वाली थी कि जो मुस्कान है उसने उसे उन लाइट्स के बारे में बताना शुरू किया। शी सेड द रेड लाइट दैट यू सी इज द सिग्नल फॉर स्टॉपिंग द व्हीकल, कि जो आप रेड लाइट देख रहे हो उसका मतलब है जब वो ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब है कि हमने व्हीकल को स्टॉप कर देना है। एज लॉन्ग एज दिस लाइट इज ऑन द व्हीकल कमिंग फ्रॉम दैट साइड स्टॉप, मतलब उस टाइम जो भी व्हीकल्स आ रहे होंगे वो स्टॉप हो जाएंगे। वैन द ग्रीन लाइट स्विच्ड ऑन द व्हीकल वंस अगेन स्टार्ट मूविंग, जब ग्रीन लाइट ऑन होगी तो व्हीकल फिर से चलने लगेंगे। द येलो लाइट दैट यू सी इज द साइन टू गेट रेडी फॉर मूविंग और स्टॉपिंग, और येलो लाइट अगर जल रही है तो इसका मतलब है कि आप अपने व्हीकल को जो है वो चलने के लिए स्टार्ट कीजिए। सो स्टॉप लुक गो, स्टॉप मीन्स व्हीकल रोकिए, लुक रेडी करिए चलने के लिए, और गो मीन्स चलिए। These lights are called traffic lights. इनको क्या कहते हैं, हम ट्रैफिक लाइट्स करते हैं, तो मतलब आपको कलर पता होना चाहिए कि स्टॉप में हमने कौन सा कलर करना है, लुक में कौन सा करना है, गो में कौन सा करना है। ये हर बार 5 नंबर का क्वेश्चन आता ही है एनुअल एग्जाम्स में। इफ एवरी वन फॉलो द डायरेक्शन ऑफ दिस लाइट
मैनी एक्सीडेंट विल बी अवॉइडेड। अगर लोग इन डायरेक्शन को फॉलो करने लगे तो एक्सीडेंट्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। देन खुशी आस्क दीदी व्हाई हैव दे पेंटेड दोज व्हाइट स्ट्रिप ऑन द रोड। खुशी ने पूछा कि दीदी ये व्हाइट स्ट्रिप जो है रोड पे ये क्यों बने हैं। मुस्कान टोल्ड खुशी इट इज कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। इसे हम क्या कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। दीज आर मेड फॉर पेडेस्ट्रियंस टू क्लोज द रोड विद सेफ्टी। ये जो है वो पेडेस्ट्रियन के लिए बनाए गए हैं, सेफ्टी के लिए, ठीक है। वी मस्ट क्रॉस द रोड व्हेन द सिग्नल शो रेड लाइट एंड व्हीकल्स आर नॉट मूविंग। हमें अपना जो रोड है वो तभी क्रॉस करना चाहिए जब रेड लाइट नहीं हो, जब रेड लाइट हो और व्हीकल जो है वो मूव नहीं कर रहे हो। फर्दर वी शुड नेवर रन बट वॉक केयरफुली। हमें दौड़ना नहीं चाहिए और धीरे धीरे चलना चाहिए। After some distance, Khushi observed that few people were walking on one side while some were walking on the other side of the road. ये कुछ देर खुशी ने थोड़ी देर बाद देखा कि कुछ लोग जो है वो एक साइड चल रहे हैं, दूसरे दूसरी साइड चल रहे हैं। She even saw some people crossing the road without caring for the signals. और कुछ लोग जो है वो सिग्नल्स की तरफ जरा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। Khushi also tried to do so, but Muskan stopped her and said, We should never be in hurry to cross the road. के खुशी ने भी कोशिश की लेकिन मुस्कान ने उसको रोका कि हमें जो है वो जल्दबाजी में कभी भी रोड क्रॉस नहीं करना चाहिए। फर्स्ट वी शुड लुक एट द राइट देन टू द लेफ्ट ओनली व्हेन सिग्नल्स आर एट सेफ डिस्टेंस फ्रॉम अस शुड क्रॉस द रोड। पहले हमने राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड देखना है। अगर हमें लगता है कि व्हीकल जो है वो दे आर नॉट अप्रोचिंग अस, वो हमसे बहुत दूर है, तभी हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। We should never try to imitate those who don't follow the rules of road. और कुछ लोग जो rules follow नहीं करते हैं उनकी हमें नकल नहीं उतारनी चाहिए। आगे question answers हैं, उसके बाद देखिए यहाँ आएगा stop, yellow में look और यहाँ पे go. After some time they reached Saproon. They खुशी noticed that there was a separated path along the main road and pedestrian were walking on that path. Pedestrian means ऐसे लोग जो पैदल चले हुए हैं, और pedestrian path means जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाया गया है। तो कुछ देर बाद वो सप्रून पहुंचे, वहां खुशी ने नोटिस किया कि वहां एक अलग रोड जो है वो मेन रोड पे बना है पेडेस्ट्रियन के लिए वॉक करने के लिए। ऑन सीइंग दिस खुशी आस्क्ड, तब खुशी ने उसको देखा तो पूछा दीदी व्हाई आर पीपल वॉकिंग ऑन द पाथ, के लोग यहाँ पे क्यों चल रहे हैं। जस्ट नाउ वी सी दैट पीपल वर वॉकिंग ऑन द रोड, व्हाई आर दे नॉट मूविंग ऑन द रोड हेयर, कि यहाँ पे भी क्यों नहीं चल रहे। तो मुस्कान ने बताया दिस पाथ इज स्पेसिफिकली मेड फॉर पेडेस्ट्रियन, ये पैदल चलने वालों के लिए बनाया गया है। एंड दिस टाइप ऑफ पाथ इज कॉल्ड पेडेस्ट्रियन पाथ। इट इज ऑलवेज सेफ टू वॉक ऑन इट, इस पे चलना जो है वो सेफ है। व्हेन एवर यू डोंट फाइंड सच पाथ ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट टू वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, कि जब ऐसे कोई पेडेस्ट्रियन पाथ नहीं होगा तो आपने हमेशा लेफ्ट साइड ही चलना है। And one important thing that you must always keep in mind, never use your phone or such other devices to listen to song while walking on the road. और आपने एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी आप रोड पे चल रहे हो तो आपने म्यूजिक जो है वो नहीं सुनना है, ठीक है। कोई भी ऐसी डिवाइसेज यूज नहीं करनी है। इफ यू डू इट देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट्स, अगर आप ऐसा करते हो तो वहां एक्सीडेंट के चांसेस जो है वो रहते ही रहते हैं। आगे है डू एंड डोंट्स ऑफ रोड सेफ्टी, हमें क्या करना चाहिए। पेडेस्ट्रियन पाथ पे चलना चाहिए, लेफ्ट साइड चलना चाहिए अगर पेडेस्ट्रियन पाथ नहीं होंगे। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग और ओवर ब्रिज फॉर क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। और अगर जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है तो हमें पूरी सावधानी से चलना चाहिए। ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ एल्डर, अगर आप छोटे बच्चे हो तो बड़ों की हेल्प आपको लेनी चाहिए। ऑलवेज क्रॉस द रोड ओनली व्हेन व्हीकल्स आर एट द सेफ डिस्टेंस, जब व्हीकल सेफ डिस्टेंस पे है तभी आप लोगों ने चलना है। डोंट्स, क्या नहीं करना चाहिए। नेवर क्रॉस द रोड, यानी दौड़ते हुए रोड क्रॉस नहीं करना है। या फिर जैसे वॉकिंग बिटवीन व्हीकल्स, व्हीकल्स के आगे पीछे नहीं आपने दौड़ना है। ब्लाइंड कर्व्स, ब्लाइंड कर्व्स मीन जहां ऐसे कर्व्स होते हैं जहां हमें आगे नहीं दिखाई दे रहा है कुछ। एक होती है सीधी सड़क, एक होती है ब्लाइंड कर्व्स, कर्व्स होते हैं तो हमें व्हीकल्स नहीं दिखाई देता है, तो वहां पे रोड जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि व्हीकल जो है वो आपसे कितने डिस्टेंस पे है। नेवर जंप ओवर रेलिंग, रेलिंग अगर लगी है तो उसको जंप नहीं करना है। दौड़ना नहीं है अगर आप किसी व्हीकल को आते हुए देखते हैं। सडनली खुशी सॉ अ व्हाइट व्हीकल इन विच नंबर 108 रिटर्न, फिर उसने एक गाड़ी देखी जिसपे 108 लिखा था।
एम्बुलेंस का नंबर है ये। मुस्कान अंडरस्टूड दैट खुशी वॉज क्यूरियस टू नो अबाउट दिस। मुस्कान को पता लग गया कि खुशी जो है वो इसके बारे में पूछना चाहती है। उसने कहा दिस नंबर इज यूज इन केस ऑफ एमरजेंसी। ये एमरजेंसी में यूज किया जाता है, जैसे एक्सीडेंट हो गया मान लो किसी का, तो इस नंबर पे जो है वो कॉल की जाती है और उसको हेल्प करवाई जाती है, हेल्प दी जाती है। एट दैट टाइम मुस्कान गॉट अ कॉल फ्रॉम हर फादर। उसी टाइम मुस्कान को उसके पापा की कॉल आ गई। ही वॉन्टेड टू नो वेयर दे वर। वो जानना चाहते थे कि वो कहाँ हैं। मुस्कान रिप्लाइड दैट दे वर अबाउट टू रीच द डीसी ऑफिस। मुस्कान ने कहा कि हम डीसी ऑफिस पहुंचने वाले हैं। एट दिस द फादर सेड बी क्विक कि जल्दी आइए। आई एम वेटिंग फॉर यू द चिल्ड्रन पार्क। मैं चिल्ड्रन पार्क में आपका वेट कर रहा हूँ। एंड बोथ ऑफ देम हरीडली टूवर्ड्स द चिल्ड्रन पार्क। और वो दोनों कहाँ चले गए, फिर चिल्ड्रन पार्क में चले गए। आगे चिल्ड्रंस के लिए जो है वो एक रूल्स बताए गए हैं, जैसे यू आर सेफ वाइल क्रॉसिंग द रोड। आप कब सेफ हो रोड के क्रॉस करते हुए, वेन यू क्रॉस द रोड वेरी केयरफुली एंड कॉन्शियसली। ठीक है, बिफोर क्रॉसिंग द रोड यू विल जस्ट लुक एट द लेफ्ट देन टू द राइट, और देखना है कि व्हीकल का जो डिस्टेंस है वो कितना है। When there is no pedestrian path, you will always walk on the left side of the road. अगर pedestrian path है तो वहां चलना है, pedestrian path नहीं है तो आपने left side चलना है। You will play on the road, you will never play on the road. कभी भी हमें जो है वो उस पर प्ले नहीं करना चाहिए। The white strip painted on the road are connected to the animal zebra crossing. तो इसी के साथ हमारा ये जो chapter भी और जो हमारा syllabus है वो भी खत्म होता है। ठीक है, तो इसको इस चैप्टर को आपने एक तो रिवाइज भी करना है, सेकेंडली जो आप अपनी जो आपकी डेली लाइफ है, आप भी आते जाते हो सड़कों में, तो आपने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है अपने लाइफ में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, थैंक यू।